केंद्रीय बजट में स्वर्ण निर्माण पर एक्साइज ड्यूटी और अतिरिक्त कर लगाने के विरोध में राष्ट्रव्यापी हड़ताल के चलते अजमेर में स्वर्णकार और सर्राफा व्यापारियों ने रविवार को आंदोलन के 12वें दिन अपने प्रतिष्ठान बंद रखकर सरकार के खिलाफ जमकर गुबार निकाला। सर्राफा संघ के अध्यक्ष अशोक बिंदल के नेतृत्व में आयोजित आंदोलन के दौरान सर्राफा व्यवसायियों ने अर्धनग्न प्रदर्शन कर अपनी नाराजगी जताई। वहीं व्यापारियों को संबोधित करते हुए बिंदल और सचिव सुशील वर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह अच्छे दिनों की बात कर रहे थे वो अच्छे दिन इस तरह से आएंगे इसकी उम्मीद नहीं थी, लेकिन हम सरकार को यह बता देना चाहते हैं कि सर्राफा व्यवसायी और स्वर्णकार व्यवसायी संगठित हैं और वे अपनी मांग को मनवाने के लिए पुरजोर तरीके से जुटे रहेंगे। वहीं स्वर्णकार संघ के अध्यक्ष तुलसी सोनी की अध्यक्षता में स्वर्णकारों की बैठक आयोजित हुई, जहां आंदोलन को सफल बनाने की अपील की गई। आंदोलन में रविवार को केकड़ी सर्राफा संघ के अध्यक्ष कैलाश चंद जैन, स्वर्णकार संघ के अध्यक्ष रामेश्वर लाल धूपड़ अपने प्रतिनिधियों के साथ मौजूद रहे। 12वां दिन हमारे प्रदर्शन को चलता हो गया और हमने वित्त मंत्री को दिखाया है अर्धनग्न कपड़ों में, भाई हमारी हालत ऐसी हो रही है अब तो सुन ले, तो फिर भी नहीं सुनेंगे तो ये नादरशाही हम केंद्र सरकार की नहीं चलने देंगे। समय सत्ता आता है, समय आज बीजेपी को गवर्नमेंट मिली है, सत्ता मिली है, उसके पहले यूपीए सरकार में जब ये कानून लगा था, जब भी ये सरकार ने भी हमारे प्रधानमंत्री महोदय ने ये बोला था कि ये कानून गलत है और मैं अगर प्राइम मिनिस्टर होता तो कानून रोल बैक ले लेता।